अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ख्याल है सामने वाले डेरे से आए हुए हैं कबूतरी के बच्चे देने, क्योंकि उन्होंने मुझे जिक्र किया था कबूतरी के बच्चे देने के लिए जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नवीद भाई, मैंने आपसे कहा भी था जी। कि कबूतरी मेरी मर गई है हाँ और जी बच्चे आपको देने आ रहा हूँ। जी जी चलें ठीक है, मैं इनकी देखभाल करता हूँ, पालता हूँ इनको। ठीक है, ओके। ऐसा कि हमने बच्चे से पकड़ लिए हैं, अब ये देखें छोटे छोटे हैं बिल्कुल ही, इनको अब लेके जाएंगे हम आज खुडे में जो इनका है, और इनको हम वहीं रखेंगे जो जिस कबूतरी के नीचे मैंने मुर्गी का अंडा रखा था और बच्चे निकलवाए थे ना, उसके नीचे हम इसको रखेंगे। फिलहाल हम इसको डब्बे में वगैरह शिफ्ट करते हैं, चेक करें ज़रा आप। ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी हैं, इनकी माँ मर गई किसी वजह से, पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पालने हैं। पहले मैंने सोचा कि इनको सिरिंज वगैरह से इनको खुराक देता हूँ वैसे पाल लेते हैं, लेकिन इनको पिजन हाउस में शिफ्ट करते हैं हम, वहीं लेके जाते हैं। सामने पिजन हाउस आ गया और उसी जोड़े के पास मैं रखूँगा इसको जिससे मुर्गी का बचा लिया था। देखें बिल्कुल छोटे छोटे ही हैं, आप देख सकते हैं नाजरीन, बिल्कुल छोटे छोटे। इनको अब पकड़ के ना उनके पास रखते हैं हम। ये देखें जी हम जा रहे हैं, ये देखें ये उसी के पास जाएंगे जो मारती है, उसके पास आपको चूजा भी नज़र आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी देखें ज़रा, दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये वो पड़ा हुआ, ये देखें चूज़ा भी आ गया सामने आपके, बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, और ये यहीं पर रहता है और भागने में माशाल्लाह हेल्दी है और भागता भी है दौड़ता भी है, और इसको वहाँ रख दिया। और ये वही तीन बच्चे हैं जो उसका अंडा मैंने इस पर रखा था, उनका भी अंडा नहीं ज़ाया किया, और वहाँ भी आपको चूज़ा नज़र आ रहा है, ये भी वो उनको मार रहा है, पता नहीं ये कौन से आ गए हैं, चेक करें। ये देखें वो भी कन्फ्यूज़ है, लेकिन आगे आगे मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कबूतरी पालती है इसको कि नहीं, अपने बच्चे समझ के। अभी देखते हैं हम। हाँ जी, आए अगले दिन की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अब, नेक्स्ट डे। और उसके नीचे हमने रख दिए और वो कबूतरी को इधर उधर वगैरह तंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं हम इसको चोगा देती है कि नहीं, क्योंकि रख तो दिए हैं इनके नीचे, अब नज़र भी रखनी है, अगर इसने चोगा ना दिया तो फिर और देना पड़ेगा, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी देखते हैं क्या करती है ये, अगर ना चोगा दिया और बीच में चूज़ा भी घूम रहा है फिर रहा है, वो भी कन्फ्यूज़ है कि ये दोनों कहाँ से आ गए। अगर इसने चोगा दे दिया तो कोशिश तो कर रही है वो चोगा देने की, और वो लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है देगी चोगा इनको, अब इनके बेचारों की माँ मर गई है तो वो दे के गए हैं, हमने पालने हैं इनको, अभी देखते हैं। और वो चोगा वगैरह देने लग पड़ी है। इंशाल्लाह आपके साथ आगे आगे इन्फॉर्मेशन की शेयर करते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें।